हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिल टेक पॉली में। आई होप कि दोस्त आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर इसमें है वो है इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम जानेंगे कि हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक क्या होता है एंड न्यूमेटिक क्या होता है। तो इसे शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक डिफिनेशंस को जान लेते हैं कि ये हाइड्रोलिक आया कहाँ से है। तो हम इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिक्स, कि मैकेनिक्स होता क्या है। तो आप लोग तो पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार रिवाइज कर दिया जा रहा है। तो देख लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर बलों का एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु पर बलों का एवं उसके प्रभावों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, यांत्रिकी कहलाता है, यानी मैकेनिक्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स के क्या क्या टाइप हैं। तो इसके पहला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा है मोस या सोम जिसे हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं, थर्ड है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, इसमें हम दृढ़ पिंडों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का मोस या सोम, इसमें हम लोग विरूपक पिंडों पर बलों का अध्ययन करते हैं। यानी कि जब कोई बॉडी डिफॉर्मेशन हो जाती है तो उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें तरल पदार्थों पर बलों का अध्ययन करते हैं। यानी कि जब किसी तरल को हम लोग कंप्रेस करते हैं उस इन सभी पर बलों का अध्ययन किया जाता है। तो हमें फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग को फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है आइए जानते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तरल पदार्थों के द्रवों या गैसों पर लगने वाला विरामावस्था में या गति की अवस्था में बलों का अध्ययन करते हैं, तरल यांत्रिकी कहलाता है। यानी दोस्तों, जब किसी तरल पदार्थ पर उस पर लगने वाले बलों का गति की अवस्था या विरामावस्था में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहलाते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स भी तीन टाइप के होते हैं। पहला है फ्लूइड स्टैटिक जिसे हिंदी में तरल स्थैतिकी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का फ्लूइड काइनेमेटिक यानी कि तरल शुद्ध गतिकी, और तीसरा हम लोग का है फ्लूइड डायनामिक्स, तरल बल गतिकी। इन सभी का हम लोग विस्तार से आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग को हम लोग बता देना चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल साहिल टेक पॉली सर्च करके आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर इसका पीडीएफ उस पर अपलोड किया जाएगा, और हमारे चैनल साहिल टेक पॉली को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है तरल यानी कि फ्लूइड। फ्लूइड दोस्तों देखते हैं कि तरल वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य ताप पर बहने का क्षमता रखते हैं। यानी इसे जिस आकार में रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, इसके आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग तरल कहते हैं। इसमें डिफिनेशन लिखा है, तरलों के अंतर्गत द्रव वाष्प तथा गैस आते हैं। यानी कि तरलों के अंतर्गत द्रव वाष्प गैस आते हैं। जैसे हम लोग का द्रव में हो गया पेट्रोल, हो गया पानी, हो गया डीजल, हो गया, और वाष्प रूप में हमारी
मीथेन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, ये सभी आते हैं। अब हम पढ़ेंगे तरलों का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूड। तो पहला प्राइमरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसमें देखते हैं क्या होता है प्राइमरी क्लासिफिकेशन। संपीड़न या दबाने की सुगमता या कठिनाई के आधार पर सभी द्रव तरल निम्न दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो द्रव तरल होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग का लिक्विड है यानी कि द्रव, दूसरा है गैस या वेपर यानी वाष्प। तो देखिए द्रव क्या होते हैं, द्रव असंपीड्य तरल है, यानी कि द्रव कैसा है, इनकम्प्रेसिबल तरल है। आकार में परिवर्तन हो सकता है परंतु आयतन निश्चित होता है, आयतन परिवर्तन से कम प्रभावित होते हैं, दाब के कारण घनत्व भी नगण्य परिवर्तन होता है। ये रहा हम लोग का द्रव। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि गैस या वेपर। गैस संपीड्य तरल है, यानी कि गैस को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ये तापमान तथा दाब से काफ़ी प्रभावित होती हैं, दाब के कारण घनत्व में काफ़ी परिवर्तन होता है। ये रखे जाने वाले बर्तन में पूर्णतः फैल जाती हैं। गैस आप लोग जानते ही हैं कि इसे जिस जहाँ पे रख देंगे वो चारों दिशाओं में फैल जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि हम लोग सेकेंडरी क्लासिफिकेशन कर पढ़ रहे हैं, जिसका यानी कि फ्लूड का सेकेंडरी क्लासिफिकेशन है। इसे भी दो प्रकार से बांटा गया, पहला है आइडियल फ्लूड यानी कि आदर्श तरल, दूसरा है रियल फ्लूड यानी वास्तविक तरल। अब देखते हैं पहला आदर्श तरल क्या होते हैं। तो आदर्श तरल वे होते हैं जो अपने संपर्क में किसी सतह के प्रत्येक स्थान पर सतह पर लंब रूप ही दाब बल लगाते हैं, यानी कि जब कोई आइडल फ्लूड किसी के संपर्क में आता है तो उसमें घर्षण नगण्य होता है, यानी कि वो इसको रोकता नहीं है। आइए अथवा करके समझते हैं। आदर्श तरल वे तरल होते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। आदर्श तरल को दबाया नहीं जा सकता है, इसमें पृष्ठ तनाव और श्यानता का गुण नहीं होता है। हम लोग आगे पृष्ठ तनाव और श्यानता के विस्तार से अध्ययन करेंगे। वास्तव में कोई भी तरल आदर्श तरल नहीं होता है, परंतु प्रायोगिक दृष्टि से जिन तरलों के लिए श्यानता का मान बहुत कम होता है, जैसे वायु, पानी इत्यादि में आदर्श तरल माना जाता है। तो हम लोगों ने समझ लिया आदर्श तरल क्या होते हैं। मोटी मोटा में बात करें तो आदर्श तरल वे तरल होते हैं जो पृष्ठ तनाव और श्यानता का गुण नहीं रखते हैं और वे किसी के संपर्क में आने पर प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, आइडियल फ्लूड कहते हैं या आदर्श तरल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब रियल फ्लूड का। रियल फ्लूड यानी कि जो व्यवहारिक होता है यानी वास्तविक होता है। तो व्यवहारिक तरल वे होते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में, यानी कि वो कण के क्या कहें विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य प्रस्तुत करते हैं, इन्हें दबाया जा सकता है, इसमें पृष्ठ तनाव और श्यानता का गुण भी होता है। इसे रियल फ्लूड कहते हैं जिसमें क्या होता है, पृष्ठ तनाव का गुण होता है और श्यानता का गुण होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं फ्लूड मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन। तो फ्लूड मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन को हम लोग देखते हैं, पहला है गैस मैकेनिक्स, दूसरा है हाइड्रो मैकेनिक्स। तो हम लोग गैस मैकेनिक्स में देखते हैं एरोस्टैटिक्स और एरोडायनेमिक, ठीक है दोस्तों। और हाइड्रो मैकेनिक्स में देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक और हाइड्रोकाइनेमेटिक,
ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोमैकेनिक्स के बारे में, तो हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, इसका आगे बात किया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं हाइड्रोस्टैटिक। नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रो मींस द्रव, स्टैटिक मींस स्थिर। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें क्या होता है, द्रव स्थिर होता है। यानी देखते हैं कि इसके अंतर्गत द्रव के व्यवहार का उसके विरामावस्था में अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो कोई द्रव विरामावस्था में है उस पर जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइड्रोडायनेमिक, यानी कि द्रव गतिकी। इसमें क्या करते हैं, द्रव के व्यवहार व उसके विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में द्रव पर लगने वाले बलों का, इसके कारण द्रव की गति का, त्वरण आदि का सम्मिलित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हाइड्रोडायनेमिक्स में विरामावस्था का भी अध्ययन किया जाता है और उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और हम लोग का नेक्स्ट है हाइड्रोकाइनेमेटिक, यानी कि शुद्ध द्रव शुद्ध गतिकी। यानी इसमें जो हम लोग का द्रव है उसमें केवल द्रव का की गति का ही अध्ययन किया जाता है, यानी कि द्रव के गति का ही अध्ययन किया जाता है, उस पर बलों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, यानी कि द्रव इंजीनियरिंग क्या होता है। तो हम लोग का सब्जेक्ट का नाम ही है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक। तो हाइड्रोलिक दे जानते हैं क्या होता है, तो देख लीजिए हाइड्रोलिक शब्द ग्रीक शब्द को मिलाने से बना है, जिसका अर्थ होता है पानी और पाइप। इस विषय के अंतर्गत तरल के यांत्रिकी के सिद्धांतों का द्रव से संबंधित इंजीनियरिंग के कार्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। यानी कि द्रव के संबंधित कार्यों के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलिक का प्रमुख संबंध सतहों से घिरे द्रव प्रवाह से है, जैसे नाजल, नालों, नदियों, नहरों और द्रवित मशीनों के अंगों में द्रव का प्रवाह है। यानी कि जो हाइड्रोलिक का संबंध है वह नालों, नदियों में उसका जो संपर्क होता है सतह का, उन सभी के अध्ययन करना ही हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग कहलाता है। अब देख लेते हैं हम लोग अपना, देखिए जैसे दोस्तों लास्ट में इसको देखने फोटो को देखकर आप बता सकते हैं कि हाइड्रोलिक कैसा होता है। देखिए ये हम लोग का क्या है, कोई पात्र है, इसमें देखिए कोई फ्लूड गिरा जाता है, ये इसके चारों ओर भर जाएगा और ये ऊपर उठेगा। ठीक है, इसमें चारों ओर फैल जाएगा, तो ये हम लोग का है फ्लूड। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।